अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बनाएंगे कराची की मशहूर छोले पापड़ी चाट। छोले पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? हमने 250 ग्राम आलू को इस तरह से क्यूब्स टाइप में कट करके सिर्फ 2 सीटी होने तक 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर दिया था। बस हमें इसे इतना ही बॉईल करना है, देखिए कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बॉईल होने के बाद इसे हमने छन्नी में निकाल दिया और इसको फिर ठंडा होने दे। सफ़ेद वाले चने लगेंगे हमें, तो ये हमने काबुली चने भी कहा जाता है। तो ये हमने 500 ग्राम लिया है, किलोग्राम में देखा जाए तो आधा किलो है ये। आधा किलो चने हमने रात भर भिगा कर इसे सुबह में इसका पानी निकाल कर इस तरह से छन्नी में छान लिया है। तो चलिए हम इसे भी सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेंगे। देखिए हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि हमारे चने अच्छे से इसमें डिप हो जाए, और 1 टीस्पून उतना हम इसमें नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इतना नहीं गलाना है कि मैश हो जाए। बस हमें इतना गलाना है कि हमारे चने जो है इस तरह से साबित नज़र आए। तो चलिए इसे हम 3 से 4 सीटी होने तक बॉईल कर लेंगे। तो चलिए जब तक हमारे चने गलते हैं तब तक हम पुदीने की चटनी ग्राइंड करके ला लेंगे। तो हमें हरी चटनी बनाने के लिए लगेगा, हमने ये 1.5 कप पुदीना ले लिया है, इसे धोकर इसका पानी निकाल लिया। आधा कप हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची, आप हरी मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नींबू का जूस, आधा टी स्पून नमक, और हरी प्याज हमने आधा कप ले ली है। ये हमने प्याज के साथ ही मोटा मोटा रफली कट करके इसे ले लिया है हमने। अगर आपके पास प्याज की पत्ती ना हो तो आप आधी प्याज भी डाल सकते हैं अपनी सादी वाली। 4 से 5 कलियां लहसुन की। तो चलिए सबसे पहले हम ये चटनी को पीस लेंगे। हमने इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसे बारीक पीस लिया है। तो चलिए अब इसको हम एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख देंगे। छोलों पे ऊपर डालने के लिए जो मसाला लगेगा हमें, हमने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, रेडीमेड चाट मसाला लिया हमने 1 टीस्पून। देखिए 3 से 4 सीटी में हमारे चने अच्छे सॉफ्ट गल चुके हैं। ये इस तरह से सॉफ्ट गलना चाहिए। अब इसको हम एक बड़े भगोने में डालकर इसमें सब मसाले डालकर इसको और पकाएंगे। इसे हमने एक बड़े से भगोने में शिफ्ट कर दिया है, पानी के साथ ही रहने दिया था। तो हमने इसमें बॉईल करते हुए 4 कप पानी डाला था इसमें, तो इसलिए हम इसमें अभी पानी थोड़ा सा आधा कप ही डालेंगे थोड़ा और पकने के लिए। तो चलिए मसालों में हमें लगेगा कश्मीरी लाल मिर्ची, हमने 1 टेबल स्पून डाल देंगे। ये छोलों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं लगता। ये बिल्कुल 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम ज़ाफ़रानी रंग डाल रहे हैं, 1 कप हमें इमली का पल्प लगेगा जिसको हमने अच्छे से गर्म पानी डाल के इमली को भिगा दिया था और उसको इस तरह से पल्प निकाल दिया है। ये 1/4 कप हम गुड़ डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि इसका टेस्ट जो है तो खट्टा मीठा होता है। 1 टेबल स्पून उतना धनिया पाउडर। चलिए इसे ढककर 10 मिनट पकने देंगे। चलिए इसे चेक कर लेंगे ढक्कन हटा के। देखिए तमाम मसाले हमारे इसमें अच्छे से शामिल हो चुके हैं। देखिए अब हमारे और चने अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम जो बाकी के चीज़ें हैं वो डाल लेंगे। हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो ये हमने 4 टेबल स्पून इतना कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसमें हम 1/2 कप उतना पानी डाल देंगे।
और इसे मिक्स कर लेंगे। इसका टेक्सचर सूप टाइप होना चाहिए। देखिए हम धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे और चलिए इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी हम फिर हमें जितना लगेगा बाद में और ऐड कर लेंगे। आधा कप पानी हम इसमें और ऐड कर रहे हैं। और इसे गरम गरम ही सर्व किया जाता है। देखिए हम एक कप इतना पानी इसमें और ऐड कर रहे हैं। अब आखिर में हम घर का होममेड गरम मसाला इसमें डाल देंगे, बिल्कुल आधा टीस्पून गरम मसाला और एवरेस्ट का छोले मसाला एक टीस्पून डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 10 मिनट तक और पकने देंगे। देखिए हमने ये रेडीमेड समोसे की जो पट्टी आती है वो लिया है। आप चाहे तो हमने जो रेसिपी डाली है समोसे और रोल की पट्टी मैदे से जो हमने गूंथकर बनाई है वो भी पट्टी आप कट करके ले सकते हैं अगर आपके पास उस टाइप के समोसा पट्टी बनी हुई है तो। तीनों पट्टियों को कट कर लें इस तरह से। देखिए ये अच्छे से हमारे पक चुके हैं। ना ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जिस तरह हम सूप बनाते हैं बस उसी टाइप का चाहिए हमें। देखिए चलिए इसे अब हम सर्व कर लेंगे। हमने एक आधा टमाटर को बारीक क्यूब्स टाइप में चॉप कर दिया है, दो हरी मिर्ची को बारीक चॉप कर दिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर दिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लगेगा। तो अभी हम जितना सर्व कर रहे हैं उतना ही हमने कट किया है। आप जितना भी सर्व कर रहे हैं उसके हिसाब से आप टमाटर और प्याज की क्वांटिटी ले सकते हैं। और ये पपड़ियों को हमने इस तरह से फ्राई कर दिया है और ये जो पुदीने की चटनी पीसी थी और जो हमने मसाला तैयार किया था वो और थोड़े से हमें सेव लगेगी। तो लीजिए ये कराची की फेमस छोले चाट तैयार हैं। आप इसे इफ्तार पे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपकी छोले चाट कैसी बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी कराची छोले चाट कैसी बनी थी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।